आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बक्सर के डाणी थाना क्षेत्र के कुकड़ा बधार में एक पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चालक के सिर में सटा कर गोली मारी गई थी। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजे जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संदर्भ में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन संख्या UP 65 HT 5572 के चालक को अपराधियों ने गोली मार दी है तथा शव को वाहन के समीप ही फेंक दिया है। मृतक की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पिकअप वाहन के बॉडी पर लिखे मोबाइल नंबर से वाहन चालक और वाहन के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक बनारस के चौबेपुर इलाके के प्राइवेट ट्रांसपोर्टर मालिक के वाहन बनारस से डाल्टनगंज सामान लेकर गया था, फिर रांची से सब्जी लाद कर बलिया जा रहा था। रास्ते में बक्सर के टाड़ी इलाके में हत्या की सूचना पुलिस द्वारा दी गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष आलोक कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द ही घटना के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। ड्राइवर थे हमारे यहाँ के धरहरा का, इनका नाम था अलपाल सनक मुखराम पाल, धरहरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी। ये हमारी गाड़ी चलाते थे, हमारे भाई लोग इसको गाड़ी को देखते थे इनको, और लेके आए थे सब्जी उब्जी लेके आते रहते हैं, जाते रहते हैं अपना। और बाकी आगे की जानकारी अभी क्या सुनकर आए हैं यहाँ पर, अभी क्या सूचना मिला है कि आप यहाँ पर आए हैं? कि सूचना मिला है कि आपके ड्राइवर को हत्या हो गई, आपके ड्राइवर की। अच्छा, किसी ने गोली मार दी। अच्छा, तो मैं आ गया था। आपके चालक ये वाहन लेकर के कहाँ गए थे? अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जो है, इन गाड़ी का संचालन हमारे भाई साहब लोग देखते हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। गाड़ी पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो लोग मुझे ही पहले फोन करते हैं। ठीक। आपका परिचय? मैं कांस्टेबल हूँ। कहाँ? उत्तर प्रदेश। आपका क्या नाम हुआ? कुमार दुबे स्थित विजन क्लासेस के छात्र छात्राओं ने झारखंड बोर्ड के 12वीं साइंस का परिणाम 2020 इस वर्ष भी विगत वर्ष की भांति शत प्रतिशत रखा। संस्थान में स्थापना के उपरांत प्रतिवर्ष साइंस संकाय उम्दा प्रदर्शन किया गया। संस्थान के विद्यार्थी तनु शर्मा ने 84.4% अंक लाकर धनबाद जिले में चौथा स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। अन्य विद्यार्थियों में अमीशा शर्मा 81%, नवनीता सरकार 76%, मोहित्री मित्र 75%, संभावी झा 76%, अदिति सिंह 75.6%, विद्या प्रजापति 73%, श्रेय श्रीवास्तव 71% एवं विजन क्लासेस के दर्जनों विद्यार्थियों का परिणाम 70% से अधिक रहा। संस्थान के निदेशक शिक्षक एस भारद्वाज एवं डीके सिंह का कहना है कि आगे भी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे एवं बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि क्षेत्र के बच्चों का पलायन बाहर ना हो और क्षेत्रों में प्रतिभाओं को तराशने में अहम भूमिका निभाई जाए। शिरकुंडा से अनुजीत सेन की रिपोर्ट। कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम इतना मार्क्स ला पाए हैं, वो मेरे सर, मेरे मम्मी पापा, उन्हीं की वजह से ला पाए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मम्मी पापा। कितना परसेंट तुम्हारा मार्क्स हुआ? मेरा 81.3% आया है। आगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? हम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और पुसा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर क्यों चुन रही है? क्योंकि हमको बायो में बहुत इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि हम बायो से एग्रीकल्चर। बायो में कितना नंबर आया? बायो में मेरा 98 मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स 98 आया। क्या तुम मैसेज देना चाह रहे? हम यही चाहेंगे कि हम लोगों को पढ़ना तो चाहिए, ऑलवेज पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अपने बड़े लोगों का भी बात मान के पढ़ना चाहिए और
हम लोगों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के फील्ड में, और हम चाहेंगे कि सबको को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता चले और उन लोगों को भी ये अवसर प्रदान हो। हम मेरा तनु शर्मा। अच्छा तनु, जो तुम्हारा मार्क्स आया है इसका श्रेय तुम किसको दे रही हो? मेरे मार्क्स का श्रेय तो सबसे पहले मेरे माता पिता को जाता है, उसके बाद मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है और बहुत प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ये हो पाया है, और मेरी प्रिंसिपल मैम दीपा प्रसाद जी जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो पढ़ाई में मतलब कि जो पढ़ती हो कितना घंटा स्टडी करना पड़ता है जो कि इस कामयाबी को तुम्हारे हासिल हुई है? स्टडी तो बहुत लॉन्गर आवर्स नहीं करती हूँ, बट 5 आवर्स लेकिन कंटिन्यू करती हूँ एवरी डे एक रूटीन के साथ। कैसा फील हो रहा है जो कि तुम टॉपर बनी हो? अच्छा फील हो रहा है, इससे ज़्यादा और उम्मीद था कि कर सकूँगी, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और भी तुम्हारे सहपाठी है, चाहे आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज देना चाहोगी? यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें बुकिश नॉलेज के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज का भी बहुत ज़रूरत है, तभी हम किसी भी सक्सेस को हम पा सकते हैं। तो बेसिकली फील्ड नॉलेज में हम लोग को हर एक चीज़ की होनी चाहिए, ऑल हम लोग को होना चाहिए ऑल अराउंड। विजन क्लासेस के बारे में क्या कहूँगी, दो शब्द कहना चाहिए? विजन क्लासेस इज़ लाइक फाउंडेशन फॉर मी, मेरे लिए एक पिलर की तरह है। शायद अगर विजन क्लासेस ना होता तो तनु शर्मा आज नहीं होती, तो इसलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विजन क्लासेस का मेरे लिए। धन्यवाद। कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम इतना मार्क्स ला पाए हैं वो मेरे सर, मेरे मम्मी पापा, उन्हीं की वजह से ला पाए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू इसके लिए। कितना परसेंट तुम्हारा मार्क्स आया? मेरा 81.3% आया है। आगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? हम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और पुसाका यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर क्यों चुन रही है? क्योंकि हमको बायो में बहुत इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि हम बायो से एग्रीकल्चर। बायो में कितना नंबर आया? बायो में मेरा 98 मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स 98 आया। क्या तुम मैसेज देना चाहोगे? हम यही चाहेंगे कि हम लोगों को पढ़ना तो चाहिए, ऑलवेज पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अपने बड़े लोगों का भी बात मान के पढ़ना चाहिए, और हम लोगों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के फील्ड में, और हम चाहेंगे कि सबको को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता चले और उन लोगों को भी ये अवसर प्रदान हो। तनु शर्मा। अच्छा तनु, जो तुम्हारा मार्क्स आया है इसका श्रेय तुम किसको दे रही हो? मेरे मार्क्स का श्रेय तो सबसे पहले मेरे माता पिता को जाता है, उसके बाद मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है और बहुत प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ये हो पाया है, और मेरी प्रिंसिपल मैम दीपा प्रसाद जी जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो पढ़ाई में मतलब कि जो पढ़ती हो कितना घंटा स्टडी करना पड़ता है जो कि इस कामयाबी को तुम्हारे हासिल हुई है? स्टडी तो बहुत लॉन्गर आवर्स नहीं करती हूँ, बट 5 आवर्स लेकिन कंटिन्यू करती हूँ एवरी डे एक रूटीन के साथ। कैसा फील हो रहा है जो कि तुम टॉपर बनी हो? अच्छा फील हो रहा है, इससे ज़्यादा और उम्मीद था कि कर सकूँगी, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और भी तुम्हारे सहपाठी है, चाहे आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें बुकिश नॉलेज के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज का भी बहुत ज़रूरत है, तभी हम किसी भी सक्सेस को हम पा सकते हैं। तो बेसिकली फील्ड नॉलेज में हम लोग को हर एक चीज़ की होनी चाहिए, ऑल हम लोग को होना चाहिए ऑल अराउंड। विजन क्लासेस के बारे में क्या कहूँगी, दो शब्द कहना चाहिए? विजन क्लासेस इज़ लाइक फाउंडेशन फॉर मी, मेरे लिए एक पिलर की तरह है। शायद अगर विजन क्लासेस ना होता तो तनु शर्मा आज नहीं होती, तो इसलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विजन क्लासेस का मेरे लिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बच्चों को बधाई देना चाहूँगी। तनु शर्मा और अमीषा ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है और मुझे गर्व है कि इन लोगों ने महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखा,
और सभी शिक्षकों को मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने बच्चों के पीछे इतना मेहनत लगाया। और हर साल तो हमारे आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे रैंक होल्डर होते थे, इस बार इन लोगों ने इतिहास रचा है हमारे कॉलेज के लिए। साइंस के बच्चे भी हमारे रैंक होल्डर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में, और हमें बहुत खुशी है। और मुझे आज भी याद है, तन्नू शर्मा जब अपने पिताजी के साथ पहली बार आई थी तो उसने कहा था कि मैं अपने स्कूल में 10th में उन्होंने सेकेंड रैंक लाया है, तो मैंने कहा था आप ज़रूर हमारे कॉलेज से टॉपर रहेंगी, और उस बात को उसने सच किया। और मुझे गर्व है कि अमीषा ने भी बहुत अच्छा 80% एंड अबव लाया है रिज़ल्ट, और अगली बार ये अपनी लाइफ में बहुत और अच्छा करेंगी। थोड़ा हार्ड लक रह गया, नहीं तो ये रैंक होल्डर ये भी होने के लिए बहुत ही सक्षम थी। और फिर से एक बार इनके माता पिता को भी बधाई देना चाहूँगी, सभी शिक्षक को बधाई देना चाहूँगी, और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।